अस्सलाम वालेकुम, सबा कुजीन में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी है आंवले का मुरब्बा। तो ये आंवला देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे लेंगे 1 केजी आंवला, एकदम फ्रेश आंवला है। इसे धो लिए अच्छे से वॉश करके, ये देखिए। अब चलिए इसको हम लोग स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिक्ची में हम लोग डालेंगे बर्तन में 2 ग्लास पानी। इस तरह का बर्तन होना चाहिए जाल वाला स्टीम करने के लिए। तो इस तरह से बर्तन में हम लोग ये आंवला को रख देंगे और यहाँ पे गैस ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे गैस ऑन कर दिए हैं और इसे मीडियम आंच पे इसे स्टीम करना है करीब 8 मिनट तक। पानी बॉयल होने लगेगा तब इसे हम लोग ढक देंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी बॉयल होने लगा, अब इसे हम लोग ढक देते हैं। ढककर मीडियम आंच पे बनाएंगे 8 मिनट तक। तो देखिए यहाँ पे 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि ज़्यादा आंवला था। तो करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसे स्टीम किए हैं। अब गैस ऑफ कर देते हैं। अब इस फोक्स की हेल्प से हम लोग देखते हैं सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब चलिए इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे हम लोग थोड़ा देर ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये फोक की हेल्प से इस तरह से सारे आंवले में हम लोग कर देंगे। ये देखिए ये स्टीम होने के बाद ये सॉफ्ट हो गया है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह सारे आंवले में कर देंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं आंवले का मुरब्बा। तो यहाँ पे इस तरह का स्टील का ही बर्तन में बनाएंगे। यहाँ पे सारे मुरब्बे आंवले में हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। और अब यहाँ पे चीनी लेंगे। 1 केजी आंवला है तो 1/2 केजी हम लोग चीनी डालेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1/2 कप पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है यहाँ पे क्योंकि आंवले का पानी भी अभी इसमें छोड़ेगा। तो यहाँ पे गैस ऑन कर दिए हैं, मीडियम फ्लेम पे ही सिर्फ पकाना है। अब ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक चीनी मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चीनी मेल्ट होने लगा है। अब इसी में हम लोग को पकाते रहना है, यहाँ चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। तो देखिए ये अच्छे से उबलने लगा है। इसे जब तक पकाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक पकाना है। इसी तरह मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। तो यहाँ पे डालेंगे फ्लेवर के लिए 2 से 3 इलायची। और यहाँ पे फूड कलर भी ऐड करते हैं, अगर आपको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं फूड कलर को। सो मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुरब्बा बन गया है। हम लोग गैस को ऑफ कर देते हैं। तो देखिए इसे अभी हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसी में। तो देखिए यहाँ पे आंवला ठंडा हो चुका है। अब इसे हम लोग दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है आंवले का मुरब्बा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।